नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने YouTube चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे परिंदे भी फिट फाट होंगे। भाई मेरे जो है मौसम जब से चेंज हुआ बारिश के बाद से थोड़ा मेरे कबूतरों में जो है दिक्कत आ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे कबूतर जो है बीमार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मेरे जो शाहजहाँपुरी एक बच्चा निकला था वो इस बीमारी में उसका जो है एक्सपायर कर गया। तो और बाकी ये सारे कबूतर बीमार हैं, लेकिन अब जो है ये फिर से रिकवरी कर रहे हैं। और समस्या ये थी कि हरी वीट वाली, आप देख रहे हैं वीट ये कैसे कर रहे हैं, ये देखिए। तो पहले तो ये सारे बिल्कुल पानी जैसा वीट करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बीच में इनके सुधार हुआ है, ये देखिए। और लेकिन अभी भी ग्रीन ग्रीन वीट है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये वाली वीट, वो वाली जो रखी है वहाँ पे है जो चूने के साथ है। और मैं सारे कबूतरों को अपनी दवाइयाँ दे रहा हूँ और ये काफ़ी फिट के कगार पे हैं। और आई होप कि जल्दी से जल्दी ये सब सही हो जाएंगे। और तो भाई अब मौसम चेंज हो रहा है, अपने कबूतरों का बिल्कुल ध्यान दीजिए, खास ध्यान दीजिए। जो भी कबूतर अगर आपको सुस्त लगे तुरंत के तुरंत उसको वहाँ से जो है निकाल दीजिए, नहीं तो आपके सारे कबूतर बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, जब से मैंने इनको अलग किया है तब से कुछ जो है ये बीमारी जो है कंट्रोल में आई है, तब से जो है बीमारी कुछ कंट्रोल में आई है। और इतने सारे कबूतर ये सारे उल्टी और दस्त के शिकार हुए थे और सब हरी वीट कर रहे थे, और उल्टी में भी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा दाना निकल रहा था, क्योंकि इनको इन्फेक्शन हो गया था। इनके पोट जो है पोट वाला इन्फेक्शन होता है, उल्टी दस्त वाला, वो दिक्कत हो गई थी। और ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होती है, ज़्यादातर ये बच्चों में पकड़ती है, और अगर बच्चों से बड़ों में चली गई तो बच्चे बड़ों का जो है 24 घंटे के अंदर हो सकता है वो एक्सपायर कर जाए या डेथ हो जाए उसकी। तो आप इन सबको चीज़ों को अपनी लॉफ्ट में बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे भी आपका कबूतर थोड़ा सा सुस्त दिख रहा है और वो दाना पानी नहीं खा रहा है, आप उसको तुरंत जो है अलग कर दीजिए, नहीं तो आपके सारे कबूतर जो हैं लपेट में आ जाएंगे। फिर आपको केयर करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई जो होता है एक दो कबूतर जो होते हैं ठीक है उनको संभाल लेने से, लेकिन अगर भाई लोगों के पास बहुत सारे कबूतर होते हैं, कोई कोई पास 100, 200, 25, 30, 40, 50 कबूतर होते हैं, अगर इतने सारे कबूतर एक साथ बीमार हो जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप उसका केयर नहीं कर पाएंगे। और यही है कि तो आप अपना मेडिसिन का कोर्स करा दीजिए, अगर आपके यहाँ बीमारी नहीं आई है फिर भी आप मेडिसिन का कोर्स करा दीजिए। उससे जो है अगर बीमारी आपके कबूतर के अंदर थोड़ी बहुत है तो उससे वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि अब जो है गर्मी से ठंडी की तरफ सीजन जा रहा है, और ठंडी जितनी होगी कबूतर हमारे पानी कम पियेंगे, और पानी अगर नहीं पियेंगे तो पोट जाम। एक बात और ध्यान रखिएगा, कबूतरों की सारी बीमारियाँ ज़्यादातर बीमारियाँ उनकी पोट जाम से होती हैं, और इस चीज़ का आप बहुत ख्याल रखिए कि कबूतर अपनी जो है बीट ना खाने पाए, क्योंकि जो नीचे बीट गिरी होती हैं उसी से सारी बीमारियां फैलती हैं। और थोड़ा बहुत ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये दीवारें उठेंगी हमारी, नई दीवारें उठ रही हैं ये देखिए, और इतनी दीवार इधर की हो गई, बाकी मैंने इनको इसी कमरे में रख दिया है जहाँ पर पहले थे, लेकिन बस चेंज ये हुआ है कि ये दीवार उठ गई यहाँ पर, और बाकी का सारा वैसे ही है। अभी भी थोड़ा कुछ काम बाकी है, और मेरे जो फिट कबूतर हैं ये सारे हैं, लेकिन इनको भी जो है मैं मेडिसिन का कोर्स करा रहा हूँ, वो आप देख रहे हैं वहाँ पे, उसमें मैंने दवा मिला के रख दी, अब सारा दिन जो है यही पानी पियेंगे। और ये जो मैंने मिट्टी बनाई थी हाजमे वाली, वो मिट्टी है, बाकी मेरे इतने सारे कबूतर जो हैं ये वाले एक्टिव हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो वाला कबूतर थोड़ा सा सुस्त था, लेकिन अब वो भी सही हो गया है, आप उसको देख सकते हैं। एक ये वाला था, वो जो वहाँ पे बैठा है वो वाला, और एक वो वाला जो है वाइट वाली जो माली वहाँ पे बैठी है वो वाली। बस भाई आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और आई होप कि आप मेरी वीडियो में समझ गए होंगे, और अपने कबूतरों की केयर करिए।
देखते रहिए, वाच करते रहिए, एग्जाम करते रहिए कि कौन सा कबूतर हमारा बीमार है, और उसको तुरंत इमिजिएटली जो है आप अलग कर दीजिए, नहीं तो आपके सारे कबूतर उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो भाई आपको जो है संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको शेयर कर दिया, अब बाकी आपकी मर्ज़ी, उसको आप अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ जब कोई भी कबूतर बीमार होता है तो बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको दो टाइम दवाई या एक टाइम दवाई देना पड़ता है, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ ना करें कि पहले से कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक करें इंतज़ार। नमस्कार, बाय बाय।